सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब एल यूएसए टीवी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ पंकज। सब तो पहला सुनो चोणवीं खबरां। न्यूजीलैंड ने 2 साल बाद मुड़ खोले अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लई दरवाजे। जदों तक यूक्रेन हार नहीं मानता, रूसी फौज के हमले रहणगे जारी। जर्मनी च पीएम मोदी वालों बच्चों नाल मुलाकात। पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग च कीते गए वड्डे फैसले। कुमार विश्वास नूं वड्डी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी ते लाई रोक। यूथ कांग्रेसिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऐलाना की कड़ी हवा। पक्खियां ते मोमबत्तियां वंड के कीता रोस प्रदर्शन। ते हुण इन्हां खबरां दी तफसील। न्यूजीलैंड ने सोमवार को 2 साल में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सैलानियों का स्वागत किया। हुण 60 साल बाद देश के लोग जिन्होंने वायरस के विरुद्ध टीका लगवाया होया है और वह कोविड नैगेटिव हैं, देश में दाखिल हो सकते हैं। सोमवार को आने वाली पहली उड़ानों में सैलानियों के नाल नाल वापस आने वाले नागरिक भी शामिल सन। बीबीसी के बुलारे के हवाले नाल कहा गया कि यह बहुत वधिया है कि अंतरराष्ट्रीय सैलानी साडे सुंदर देश का दोबारा दौरा करन दे योग होणगे। न्यूजीलैंड के नागरिकों को मार्च तो देश के अंदर बाहर जाण की इजाजत दी गई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अप्रैल तो दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। महामारी के मद्देनज़र न्यूजीलैंड ने मार्च 2020 अपनियां अंतरराष्ट्रीय सरहदां बंद कर दित्तियां सन। इत्थों तक कि वापस परतन वाले नागरिकों को दाखिल होने ते हफ्ते के क्वारंटीन पूरा करना पिया। इस साल के शुरू में सरहद को मुड़ खोलने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने कहा, दक्षिणी प्रशांत राष्ट्र दुनिया का वापस स्वागत करने तैयार है। दस दईए कि न्यूजीलैंड की आर्थिकता अंतरराष्ट्रीय सैलानियों के सैर सपाटे से बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। रूसी फौज यूक्रेन विच विशेष मुहिमों दौरान अपने ऑपरेशन विच कोई बदलाव नहीं करन जा रही। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने अज कहा कि रूस किसी खास दिन अपनी रणनीति नूं जबरदस्ती बदलन वाला नहीं है। रूसी मंत्री का यह बयान अजिहे समय च आया जदों कई मीडिया रिपोर्टों च कहा जा रहा है कि रूस 9 मई नूं जित दिवस के मौके पर इस जंग नूं खत्म करना चाहता है। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन विच कार्रवाइयां की गति सब तो पहला नागरिक आबादी और रूसी फौजी कर्मचारियों नूं किसी भी खतरे तो घट करन दी जरूरत ते निर्भर करती है। लावरोव ने इतालवी मीडिया सेट प्रसारक नु कहा, साडियां फौजां नकली तौर ते अपने काम कर रही हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन विच अपने मुख्य उद्देशां ते केंद्रित है, जिन्हां दा ऐलान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कीता सी, जिस विच नागरिक आबादी की सुरक्षा केंद्रीय है। उसने कहा कि यूक्रेन के खतरे विच हथियारां अते नाजीवाद नाल संबंधित किसी भी खतरे नु नाकाम करन लई यतन जारी रहणगे। लावरोव ने जोर दे के कहा कि साडे टीचे विच यूक्रेन विच शासन तब्दीली शामिल नहीं है। यह पुछे जाणते कि की रूस यूक्रेन दे राष्ट्रपति जेलेंसकी नूं समर्पण करना चाहता है, लावरोव ने कहा कि मास्को समर्पण की मंग नहीं कर रहा, पर वह चाहता है कि जेलेंसकी सारे नागरिकों को रिहा करे और विरोध को रोकने का आदेश दे। लावरोव ने जोर दे के कहा कि रूस पूर्वी यूक्रेन के सारे लोगों लिए सुरक्षा यकीनी बनाना चाहता है, ता जो उन्होंने इस देश के फौजीकरण या नाजीवाद तो खतरा ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के यूरोप दौरे पर ने। सोमवार सवेरे वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। मोदी इतने कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इस तो इलावा वह जर्मनी के चांसलर नाल भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बर्लिन में भारतीय भाईचारे के लोगों और बच्चों नाल भी मुलाकात की। भारतीय प्रवासियों को मिलने का प्रोग्राम होटल एडलांट कैंपिस्की विखे रखा गया। विश्व लेबर डे उपर जिथे दूसरे देश मजदूरों के हक में सहूलत जारी करते आ रहे हैं, पर इस लेबर डे उपर पंजाब सरकार वालों तुगलकी फरमान जारी कर रेहड़ी फड़ी वालों खत्म करने के आदेशों मंदभागा दसिया। अमृतसर तो श्रोमणी अकाली दल के प्रवासी विंग के जिला प्रधान महेश वर्मा ने दसिया कि पंजाब सरकार वालों मजदूरों के हक में गल करन की जगह जो उन्होंने संविधानिक हक से डाका मारिया है वह बहुत मंदभागा है। इस संबंधी उन्होंने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट वालों 28 स्टेटा के लोगों को यह हक दिए गए हैं कि गरीब लोग अपनी रोजी रोटी लई रेहड़ी फड़ी लगा सकते हैं। जेकर सड़कों के कंडे फुटपाथ उपर लोग चल फिर सकते हैं तो स्ट्रीट वेंडर उत्थे समान क्यों नहीं वेच सकते, पर पंजाब सरकार वालों इन्हों के हकों उपर डाका मार के उन्होंने रोजी रोटी तो काम काज प्रभावित करन की गल की गई है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान चाहिए है कि वह सगों मजदूर गरीबों रोज़गार देन, ना कि उन्होंने रिजक काम काज में ठप्प करन। पंजाब सरकार अपने वादियां तो भजदी नज़र आ रही है, चाहे मामला माइनिंग का होवे, चाहे बिजली फ्री का, चाहे लोगों के हक की राखी का, पर किसी भी पासे कुछ भी लागू हुंदा दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब सरकार नूं अपने फैसले सोच समझ के लैण दी लोड़ है। मैं भगवंत मान सरकार तो यह मंग करदा हाँ कि जिहड़ा उन्होंने एक फतवा जारी किया पिछे जे कि स्ट्रीट वेंडर जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं फुटपाथां तो हटाया जाए, मैं मान सरकार नूं यह दसना चाहुंदा कि मान साहब मानयोग
भारत के संविधान के मुताबिक सानू यह अधिकार मौलिक अधिकार मिला है कि जेके आम लोग फुटपाथां ते चल सकते हैं तो रेड़ा रेहड़ी तो फड़ी वाला भी उत्थे बेच के सौदा वेच के अपना जी रोटी कमा सकता तो बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। शायद मान साहब भुल रहे हैं कि जिहड़ा पार्लियामेंट दे विच मतलब जिहड़ा कानून पास होया उस तो बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत दियां 28 स्टेटां नूं हुक्म जारी किए ही कि हर स्टेट यह जिहड़ा कानून लागू करे, पर जिहड़ा मान साहब ने जिहड़ा फरमान जारी किया है बहुत ही घटिया, मतलब असी समझदे कि साडे दर्द समझने चाहिए ने, बहुत ही मतलब समझते हैं कि एक गरीब मारू नीतियां ने जिहड़ियां मान साहब ने जारी कीतियां ने। असी समझते हैं कि मजदूर दिवस के मौके पर असी आस करते हैं कि जो फरमान इन्हें जारी किया वापस लैणगे। भगवंत मान वजारत ने वड्डे फैसले लेंदे हुए वक्-वक् विभागों दी 26,454 असामियों नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस तों इलावा एक विधायक एक पेंशन दे नोटिफिकेशन नूं भी पंजाब कैबिनेट ने प्रवानगी दे दित्ती है। कैबिनेट दे इस फैसले नाल हुण एक विधायक नूं एक ही पेंशन मिलेगी। दरअसल पहलां जेकर कोई विधायक दो वार जां उस तों वध वार चोण जितदा सी तां उस नूं उन्नी वार दी ही पेंशन दित्ती जांदी सी, पर हुण मान सरकार दे फैसले अनुसार विधायक भावें जिन्नी भी वार चोण जित चुक्या होवे पेंशन उन्हां नूं महज एक वार ही मिलेगी। इस तो इलावा मान सरकार ने घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम भी मंजूरी दे दी है। एक होर फैसले में मुकतसर जिले च नरमे की फसल के खराब होने पर 41.89 करोड़ रुपए की मुआवजे को मंजूरी दे दी गई है, जिस विच 38.08 करोड़ रुपए किसानों लिए जबकि 0.381 करोड़ रुपए खेत मजदूरों लिए जारी किए गए हैं। होर फैसले में छोटे ट्रांसपोर्टर लिए फीस जमा कराने 3 महीने का समा वधाया गया है। यह फीस किश्तों में भी जमा करवाई जा सकेगी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26,454 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। 26,454 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 67 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 218, ਸਹਿਕਾਰਤਾ 777, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 338, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 446, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 204, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2187, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 210, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,475, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 235, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 547, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 275, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1690, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, ਮਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 803। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6,452 ਪੋਸਟਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ 115, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ 6,337, 6,452 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 123, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 82, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 999, ਜੇਲ੍ਹ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 105, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 155, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 26,454 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ।
प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वड्डी राहत देंदे हुए गिरफ्तारी ते रोक लगा दित्ती है। आम आदमी पार्टी दे मैंबर रहे विश्वास विरुद्ध भड़काऊ बयान देण दे दोष च रोपड़ विच केस दर्ज किया गया सी। जिक्रयोग है कि खुद नूं आम आदमी पार्टी दे संस्थापक मैंबर होण दा दावा करदे हुए कुमार विश्वास ने पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट दा रुख करके भड़काऊ बयान देण अते होर अपराधां दे दोषां तहत दर्ज FIR नूं रद्द करन दी मांग कीती सी। विश्वास ने पंजाब राज दे खिलाफ हाईकोर्ट विच दायर अपनी पटीशन विच कहा सी कि उस दे खिलाफ FIR ना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की दुरवरतों है सगों राजनीतिक विरोधियों विरुद्ध बदला लैण लई सरकारी मशीनरी की भी स्पष्ट दुरवरतों है। दस दईए कि कुमार विश्वास विरुद्ध केस पंजाब चोणां 2022 तो पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरुद्ध भड़काऊ बयान देण तहत दर्ज किया गया सी जिसनों रद्द करन लई विश्वास ने हाईकोर्ट विच पटीशन दाखिल की है। अज हाईकोर्ट ने मामले च विश्वास नूं वड्डी राहत देंदे गिरफ्तारी की रोक लगा दिती है। पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार वालों किए जा रहे ऐलाना अते बिजली दे लग रहे कट्टां तो हर कोई परेशान नजर आ रहा है। उत्थे ही हुण विरोधी पार्टियां वालों भी मान सरकार ते निशाने साधे जा रहे हैं। इसे लड़ी तहत अज अमृतसर के जौड़ा फाटक नेड़े यूथ कांग्रेसी आगू मिठू मदान अते चरणजीत सिंह मानती पहलवान की अगवाई विच कांग्रेसी वर्करां वालों पंजाब की आप सरकार विरुद्ध पक्खियां अते मोमबत्तियां वंड के जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि आप सरकार ने भोले भाले लोगों नाल झूठे वादे करके बहुमत नाल सरकार बना ली है पर हुण आम आदमी पार्टी की ही कोई होर सार नहीं लै रहा। आम जनता इस वेले गर्मी नाल बेहाल हुई पई है अते उत्तों बिजली दे कट लोगों की जान कट रहे ने। बच्चे बजुर्ग सब परेशान हो रहे हैं जिस दे चलते लोगों की आवाज़ बुलंद करते हुए अज यूथ कांग्रेस वालों पक्खियां अते मोमबत्तियां वंड के रोस मुजहरा किया गया है। उत्थे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों च कांग्रेस प्रधान राजा बड़िंग की अगवाई में कांग्रेस पार्टी वालों वड्डे पद्धर से रोस प्रदर्शन किए जाएंगे। मोमबत्तियां दे पक्खियां लै के जिहड़ियां दुकाना दे जा जा के मंडिया गई हैं कि जो बिजली दे लंबे कट लग रहे आ उन्हां दे अकॉर्डिंग कि अरविंद आप दे केजरीवाल ने एक पंजाब नू वोटां तो पहला पंजाब नाल वादा किया सी 24 घंटे बिजली देण दा पर चोणां तो बाद तुसीं वेख्या होऊगा लंबे कट्टां दे विच पूरा पंजाब पूरा पूरा शहर सूबा अंधेरे विच डुब्या पिया आ। जात पाट दे विच मणता पूरा हाल हो गया लोगों का। दो दिन हो गए कट लगे पे बत्ती दे फैक्ट्रिया वालों दी बत्तियां बंद घर दी बत्तियां बंद साडे गरीब लोग रहिंदे आ आम जनता जिन्हों आम वाले कहिंदे सी साडी सरकार आ आम जनता की अज बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा लोग परेशान है। इस करके आप छोटा जा प्रोटेस्ट रखिया पक्खियां वंडन का मोमबत्तियां वंडन का जे भगवंत मान साहब ना बत्ती दे पाए दो चार दिनों फिर आप वड्डा धरना लावांगे जिदे सहूलियत करेंगे पंजाब के प्रधान साढ़े कांग्रेस के राजा वड़िंग नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर आप वड्डा प्रोग्राम एक रखांगे अमृतसर जिन्हें सारे MLA आके बोलणगे जिहड़े साडे ने क्योंकि इन्हों के 92 वाले तो सारे चुप ने जिन्हें 92 के 92 ने सारे चुप ने इस करके लोग परेशान ने लोग कहते हाए क्यों वोट पाई आपनू। भारतीय जनता पार्टी के सूबाई दफ्तर विखे साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पुरब मौके सूबा भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा की प्रधानगी हेठ श्री सुखमनी साहब जी के पाठ और कीर्तन का आयोजन किया गया जिस विच केंद्र और सूबाई सीनियर लीडरशिप ने शिरकत की। इस उपरंत पार्टी आगुआ और वर्करा ने सूबे में सद्भावना शांति और खुशहाली लिए अरदास की। इस मौके राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार वालों पूरा साल देश भर च धार्मिक समागम करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी को भुलाया नहीं जा सकता और इस कुरबानी उपर हर भारतवासी का सीस झुकता है। इस मौके केंद्रीय जल स्रोत मंत्री और भाजपा के पंजाब चोण इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के खेतरी इंचार्ज सौदान सिंह पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री और पंजाब चोण सह इंचार्ज हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय राज वणज मंत्री सोम प्रकाश हाजिर सन। श्री मुक्तसर साहब विखे 40 मुक्तियां दे शहीदी पुरब संबंधी धार्मिक समागम अज गुरुद्वारा शहीदगंज साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब की प्रारंभता नाल शुरू हो गए। इस संबंधी अज गुरुद्वारा टिब्बी साहब तो गुरुद्वारा शहीदगंज साहब तक नगर कीर्तन सजाए गए।
40 मुक्तियां दी याद विच हर साल करवाए जाने वाले शहीदी समागम अज आरंभ हो गए। अज पंज प्यारियां दी अगवाई विच अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी छत्र छाया हेठ सवेरे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब तो नगर कीर्तन सजाए गए। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब विखे आके समाप्त होए। इस उपरंत गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए। यह धार्मिक समागम 4 मई तक चलणगे। वर्णन योग है कि इस जगह ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल हुकूमत विरुद्ध 21 विसाख सं 1705 नूं आखिरी लड़ाई लड़ी सी। इस लड़ाई नूं सिख इतिहास में खिदराणी की लड़ाई वजो जाणिया जाता है। इस लड़ाई दौरान ही श्री आनंदपुर साहब के किले में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेदावा लिख के दिए सिंघा ने हिस्सा लिया और मुक्तियां प्राप्त कीतियां। उस उपरंत इस जगह को श्री मुक्तसर साहब के नाम नाल जाणिया जाण लगा। शहीद हुए सिंघा नू 40 मुक्तियां के नाम नाल सिख इतिहास में जाणिया जाता है। यह जिहड़ी समागम है एक कौम वास्ते बहुत वड्डा प्रेरणा का स्रोत है। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू बहुत काफ़ी गिनती के सिंह जड़े उत्थे बिदावा लिख के आए जी आनंदपुर साहब उन्होंने करजा दवाए तो उन्होंने औरतों ने उन्होंने मंगाया माता पावकर हो गई उन्होंने मूहे लग के आए उन्होंने शर्म दी लंघ पाई सारे नाल चले फिर बड़ी शिद्दत दे नाल उन्होंने बड़ी भावना दे नाल वह लड़ाई लड़ के गुरु साहब तो आके इतने बिदावा पाड़िया। जो गुरु साहब इतने आए तो उन्होंने देखा कि सिंघा ने जो लड़ाई की थी, वो दी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। इन्ने उन्होंने जनून दे नाल इन्नी जज्बे नाल लड़ाई लड़ी तो गुरु साहब उन्हों की उतो टिब्बी साहब बैठे उन्हों की मदद करते रहे तीर चलाए गुरु साहब ने भी तो वो जित जी प्राप्त हुई जो आए गुरु साहब तो उन्होंने भाई महा सिंह उस वेले सारे जो सिंह शहीद हो चुके थे तो भाई महा सिंह सहकते उन्होंने सिर उन्होंने गोदी च लिया तो उन्हों तो उन्होंने हुक्म किया भाई महा सिंह मंगो कुछ वो महाराज किसी चीज़ की लोड़ नहीं जिहड़ा बिदावा लिखा है ये बिदावा पढ़ दो। उन्होंने शहीदियां दे के इत्थे बिदावा पढ़ाया तो फिर उस वेले गुरु साहब ने इस धरती को इत्थे वर दिता उन्होंने मुक्तियां 40 मुक्तियां उन्होंने मुक्ति का वर प्राप्त होया। तो जो इस खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह जो सालाना शहीदी जोड़ मेला 40 मुक्तियां की याद में मनाया जाता है उस संबंध में अज मिति 2 मई में गुरद्वारा टिब्बी साहब तो एक महान नगर कीर्तन कढ़िया गया जो कि गुरद्वारा शहीदगंज साहब विखे आके समाप्त होया। उपरंत श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ किए गए। इस दे संबंध में कल मिति 3 मई में शाम रह रात तो बाद महान कीर्तन दरबार कराया जा रहा है जिस दे विच भाई कुलदीप सिंह जी नंदपुरी हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले कथावाचक भाई कुलवीर सिंह जी फादरता वाले विशेष तौर पर संगतां दे दर्शन करनगे। उपरंत मिति 4 मई में माणयोग सिंह साहब जी यानी हरप्रीत सिंह जी माणयोग प्रधान साहब जी सवेरे 9 बजे संगतां दे दर्शन करनगे। उपरंत श्री दरबार साहब विखे सारी दिहाड़ी ही कीर्तन दरबार अते रागी ढाडी संगतां नूं गुरु घर का इतिहास सुना के निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की धर्मपत्री और मजीठा हल्के तो विधायक गनीव कौर वालों अज विधायक के तौर पर सहुं चुकी गई। उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वालों सहुं चुकाई गई। दसण योग है कि गनीव कौर ने पंजाब विधानसभा चोणों दौरान अपने नेड़ले विरोधियों को करीब 26,000 वोटों के फर्क नाल हराया सी अते विधायक चुने गए सन। हालांकि अजे तक उन्होंने वालों विधायक के अहुदे की सहुं नहीं चुकी गई सी। यह भी दस दईए कि बिक्रम मजीठिया अजे जेल च बंद ने और उन्होंने जमानत नहीं मिल सकी है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने आज अपने दफ्तर में श्रोमणी अकाली दल की गनीव कौर मजीठिया को विधायक वजों सौं चुकाई। पंजाब विच माइनिंग का मुद्दा एक बार मुड़ तो चर्चा में आ गया। बंद पईयां रेता दीयां खड्डां चलाउण दे लई इस बार ट्रांसपोर्टां ने मंग की है। जलंधर के ट्रांसपोर्टां का कहना है कि पिछले 2 महीनों तो खड्डा बंद होने कारण ट्रक ड्राइवर आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टां ने मंग की कि जेकर वीरवार तक खड्डा चालू नहीं किया जाता तो जिले में पक्का धरना लगाया जाएगा। जलंधर जिला प्रशासन को मंग पत्र देने पहुंचे ट्रांसपोर्टां ने कहा कि जलंधर जिले में 500 के करीब ट्रक हैं जो खड्डा चो रेता सप्लाई करते हैं। माइनिंग बंद होने के कारण इन 500
ट्रकों के मालकों को घर का गुजारा करना औखा होया पिया है और ट्रकों की किश्त कढ़न जोगे पैसे नहीं हैं। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जेकर सरकार ने उन्हां दी मंग ना मनी तो पठानकोट चौक में सारे ट्रक खड़े करके इन्हां दीयां चाबियां डिप्टी कमिश्नर नूं फड़ा दित्तियां जाणगियां ते इस धरने नूं सूबा पद्धर ते लैके जाया जाएगा। ट्रांसपोर्टरां ने मांग की कि जिहड़ियां कानूनी खड्डां हन उस नूं पंजाब सरकार जल्द तो जल्द शुरू करे तां जो ठेकेदारां दी मनमर्जी बंद होवे ते लोकां नूं वी सस्ते भाव रेता मिल सके। ट्रांसपोर्टरां मुताबक बाहरों रेता लियाउण दे नाल आम लोकां नूं वी काफ़ी महंगे भाव ते रेता मिल रही है। दूजे पासे पंजाब दे माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस दावा कर रहे हैं कि जल्द ही पंजाब विच माइनिंग पॉलिसी बनाई जाएगी जिस दे नाल गैर कानूनी माइनिंग करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई होवेगी ते लोकां नूं सस्ती रेता बजरी मिलेगी। बारहवीं जमात के विद्यार्थियों को पढ़ाईया जाने वाली पंजाब दा इतिहास दी किताबां च सिख इतिहास नाल संबंधित तत्थां नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन दे मामले च सिक्ख्या विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों से वड्डी कार्रवाई करदिआं सिख जगत दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाउण दे दोष च लेखकां पबलिशरां खिलाफ़ केस दर्ज दे आदेश दित्ते ने। इस दे नाल ही पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड नूं विवादित किताबां दी स्कूल च वरतों ते तुरंत रोक लगाउण लई ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ DGSE ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ IPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਰਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ABC ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ MS ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।